नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के ग्राम पंचायत इच्छोनी के प्राथमिक स्कूल कोटी दोभालो में कार्यरत प्रधानाध्यापक जसपाल पुरशोड़ा, सहायक अध्यापिका मीना देवी को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोनों को उपखंड शिक्षा अधिकारी थौलदार कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। दोनों ही शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत के बीते दिन विद्यालय से नाराज हो गए थे। स्कूल को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे छोड़ दिया था। दोनों शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षा एक के छात्र के हाथ की उंगली कट गई थी। प्राथमिक स्कूल कोटी दोभालो में एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापिका कार्यरत है। प्रधानाध्यापक जसपाल पुरशोड़ा 5-6 नवंबर को आकस्मिक अवकाश पर थे। विद्यालय में सहायक अध्यापिका मीना देवी ने 6 नवंबर को अवकाश का प्रार्थना पत्र रजिस्टर के अंदर रख कर बिना किसी को सूचित कर वहां से चली गई। 7 नवंबर को संज्ञान लेते हुए डीएम मयूर दीक्षित ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक बीके ढोंडियाल को लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीईओ बेसिक ढोंडियाल ने बताया कि उपखंड शिक्षा अधिकारी थौलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाध्यापक जसपाल और सहायक अध्यापिका मीना देवी को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार। आपसे निवेदन है, 9 नवंबर को आइए और एक सोशल कॉज का हिस्सा बनकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। तो क्या है इसमें खास? हमारे पास है मॉम्स एंड किड्स के लिए एक्टिविटी जोन, गेमिंग जोन, स्कूल परफॉर्मेंसेस और फूड कोर्ट। इससे जो भी फंड रेज होगा वो सब यूज होने वाला है कैंसर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और हमारे साथ लकी ड्रॉ का भी हिस्सा बने। तो मिलते हैं आपसे 9 नवंबर को दिन में 12 बजे से लेके 8 बजे तक शाकुंतलम बैंकेट हॉल रामपुर रोड पर। और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सारे स्पॉन्सर्स का एंड क्लब मेंबर्स का, जिनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। एंड स्पेशल थैंक्स टू जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।